लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं श्री हनुमान जी कार बाजार। तो दोस्तों पहले भी मैंने श्री हनुमान जी कार बाजार का वीडियो बनाया था और आप सबको बहुत पसंद आया, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। तो दोस्तों आज आप लोग की रिक्वायरमेंट थी कि फिर से आप श्री हनुमान जी कार बाजार का वीडियो बनाइए और वहाँ पर गाड़ियाँ सब चेंज हो चुकी हैं, यानी कि जो पहले दिखाई गई थी वो सब बिक चुकी हैं और नई गाड़ियाँ आ गई हैं। तो दोस्तों आज हम वहाँ चलते हैं, कुछ नई गाड़ियाँ आप सबको दिखाएंगे, गाड़ियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी गाड़ी वहाँ पर है, क्या है, कितना चली है, मतलब सारी जानकारी गाड़ियों के बारे में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रेड बटन दबा करके। और बाकी दोस्तों चल के देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कार बाज़ार, यानी कि श्री हनुमान जी कार बाज़ार हम आ चुके हैं और अब हम वीडियो यहां पर बनाने जा रहे हैं सारी गाड़ियों का। तो दोस्तों वीडियो बनाने से पहले कुछ बात हम आप सबसे करना चाहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे जिन लोगों ने कहा कि भैया आप दिल्ली से कंपेयर मत करें और दिल्ली का कुछ और रेट है, यहाँ का कुछ और रेट है। तो ऐसा नहीं है भैया, दिल्ली मैं गया भी हूँ और दिल्ली की जो गाड़ियाँ हैं वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर और भी पड़े हुए हैं, मैंने सारी देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपी से और दिल्ली में कुछ फ़र्क नहीं है, भैया यूपी में और दिल्ली में काफ़ी फ़र्क है गाड़ियों का। क्या आप रेट पूछेंगे तो अच्छा खासा फ़र्क मिलेगा आपको, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि यूपी में जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं, जो चलाते हैं, तो यूपी की गाड़ी यूपी में ही लें और यूपी में बेच दें तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ये आप बिल्कुल सोचिएगा इस बात को। और अगर हम गाड़ी ले आते हैं दिल्ली से, दिल्ली से गाड़ी लाने के लिए 50,000 रुपये 60,000 रुपये कम से कम ट्रांसफ़र में खर्चा हो जाते हैं गाड़ी के। और उसके बाद में अगर वहाँ सस्ती भी पड़ती है तो 50,000 रुपये ये बढ़ जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी का नंबर जो है वो DL ही रहेगा। तो यूपी में आप कोई भी जगह चले जाइए, चाहे गोरखपुर हो, बलिया हो, गोंडा हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, कहीं भी आप चले जाइए, दिल्ली नंबर गाड़ी जब बेचने का नंबर आएगा तो भैया लोग भाग जाते हैं, यानी कि जल्दी गाड़ी बिकती नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, गाड़ी सड़ जाती है खड़ी खड़ी, कोई लेने वाला नहीं होता है। और उसके बाद आखिर में ये होता है कि भैया गाड़ी कटवा दो, जो पैसे मिलने मिल जाए, तो ये होता है। तो आपको अगर मान लीजिए ये सोच करके आप दिल्ली से ला रहे हैं कि हाँ भैया हमें बेचनी ही नहीं है गाड़ी, ठीक है हम चलाएंगे, यूज़ करेंगे, उसके बाद कबाड़ हो जाएगी बेच देंगे, ये अगर सोच लिया है तो आप बिल्कुल दिल्ली से लाइए, वहाँ आपको सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन देखिए अगर कुछ बहुत थोड़ा फ़र्क आ रहा है कि आप दिल्ली से अगर वही गाड़ी आप 3 लाख की ला रहे हैं और वही गाड़ी आप यहाँ ले रहे हैं 4 लाख रुपये की या 3,80,000 रुपये की, तो इतना फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। यानी कि 50,000-60,000 रुपये आपके पेपर वर्क में जाएंगे और बहुत दौड़ना पड़ेगा आपको पेपर वर्क में। उसके अलावा अगर आप यहाँ गाड़ी लेते हैं तो यहाँ आपके आपका फायदा ये है कि आप NOC निकलवा करके गाड़ी कहीं भी ले जा सकते हैं, वो गोरखपुर हो या चाहे बाराबंकी हो, गोंडा हो, बलिया हो, बस्ती हो, कहीं भी आपको गाड़ी ले जाना है तो आप यहाँ से गाड़ी ले जा करके यहाँ से आपको NOC दे दी जाएगी और आप जो है अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र फीस जो है वो जो पड़ती है वो आपको वहाँ पड़ेगी, यहाँ 2,500 रुपये NOC निकलवाने के अलग से पड़ते हैं बस। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है, भाई मेरा कहना तो यही है कि गाड़ी जो है वो आप यूपी से ही लें, अगर आपको बेचना है तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है भैया। तो भैया कार बाज़ार आ गया हूँ मैं और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोग। तो भैया देखना शुरू करते हैं गाड़ियों को कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कितना चली है, क्या है। तो भैया आओ चलते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये है ION टॉप मॉडल,
जो चली है 50,000 किलोमीटर चली है, और गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। ये देखिए चारों तरफ से, और ये टॉप मॉडल है। अंदर की कंडीशन कुछ देख लेते हैं कार की। ये देखिए ये अंदर से कार की कंडीशन है। ये ईऑन है, 50,000 किलोमीटर चली है और टॉप मॉडल कार है। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। ये देखिए ये 2012 का मॉडल है, और ये इसका जो प्राइस है ये 2,00,000 रुपये इसका डिमांड है। 2,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की, और 50,000 किलोमीटर चली है। गाड़ी की कंडीशन एकदम बेहतरीन है। ये देखिए आप देख सकते हैं कहीं भी एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। और ये महिंद्रा की थार, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, और इसका जो प्राइस है वो है 6,50,000 रुपये। ये देखिए इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 6,50,000 रुपये, और ये चली है 50,000 किलोमीटर। 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसके अंदर की भी कंडीशन देख लेते हैं क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो अंदर की कंडीशन है वो एकदम बेहतरीन है। ये देखिए ये आप अंदर की कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, और ये 50,000 किलोमीटर चली है, 2014 का मॉडल है। बेहतरीन गाड़ी है एकदम। और ये है फोर्ड फिएस्टा, ये 76,000 किलोमीटर चली है, 76,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। और इसके अंदर से जो इंटीरियर है वो देखिए कितना प्यारा है, बेहतरीन है, गुड कंडीशन में गाड़ी है एकदम। और इसका जो प्राइस है वो है 3,00,000 रुपये डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल भी है, आप इसमें बात करके कम करा सकते हैं। तो भैया फिक्स प्राइस नहीं है, आप इसमें बात करके प्राइस जो है वो कम करा सकते हैं, 3,00,000 रुपये इसकी डिमांड। ये अल्टो केटन है, और ये जो चली है ये 58,000 किलोमीटर चली है, और इसकी जो डिमांड है वो है 2,20,000 रुपये। और मॉडल क्या है इसका? मॉडल 13, 2013 मॉडल गाड़ी है ये, और इसकी 2,20,000 रुपये डिमांड है, यानी कि आप कम भी करा सकते हैं, नेगोशिएबल रेट है, आप कम करा सकते हैं इसमें। ये देखिए अंदर से भी इसकी कंडीशन एकदम बेहतरीन है, और इसमें प्राइस फिक्स नहीं है, इसमें प्राइस आप कम भी करा सकते हैं। गाड़ी कंडीशन एकदम बेहतरीन है, कोई भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। ये अल्टो 800 है, 2015 मॉडल है ये, और बिल्कुल गुड कंडीशन में है, कहीं भी आप देखें एक भी स्क्रैच नहीं गाड़ी में। और इसकी जो डिमांड है वो है 2,40,000 रुपये, और जो चली है 60,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, उसको अंदर से भी देख सकते हैं आप। ये टॉप सेकंड है, ये आगे इसमें विंडो पावर है, और पीछे का जो है वो शीशा चलाने वाला है। और ये 60,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, बहुत ही बेहतरीन है ये, 2015। ये बीट है और डीजल है ये, और ये 57,000 किलोमीटर ये चली है गाड़ी, और इसकी जो डिमांड है वो 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये इसकी डिमांड है, और इसमें कुछ कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दिया वही लेंगे। ये इसका अंदर का इंटीरियर है, ये आप देख सकते हैं,
ये इंटीरियर भी काफ़ी प्यारा है, गाड़ी ठीक ठाक है और इसकी डिमांड जो है वो 2.5 लाख रुपए है। डीजल कार है ये, मॉडल इसका जो है 2012 है, 2012 मॉडल है। तो ये 2012 का मॉडल है और ये बीट डीजल है और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। ये भी एक आप देख सकते हैं, ये है वैगनार 2016 का मॉडल, एक भी स्क्रैच देख लीजिए कहीं भी नहीं है और गाड़ी एकदम बेहतरीन है और ये चली है 22,000 किलोमीटर केवल। इसकी जो डिमांड है 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपये इसकी डिमांड है। उसका इंटीरियर जो है वो कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदर से इंटीरियर है और इसमें आप कम भी करा सकते हैं, बिल्कुल फिक्स रेट नहीं है, ये है कि थोड़ा बहुत कम भी इसमें हो जाएगा। और ये सेकेंड टॉप है, इसमें विंडो आगे के पावर हैं और पीछे के पावर नहीं हैं। ये गाड़ी चली है केवल 22,000 किलोमीटर, उस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल न्यू कंडीशन में रखी हुई है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वैगनार ये भी है और ये चली है 2014 मॉडल है और इसका मीटर क्या इंडिकेशन कर रहा है आज देखते हैं कि मीटर कितना चला हुआ है। 51,000 किलोमीटर ये कार चली है और बहुत ही बेहतरीन कार है। ये देखिए 3 लाख रुपए इसकी डिमांड है, 3 लाख रुपए डिमांड है। सीएनजी लगी हुई है, कंपनी फिटेड सीएनजी है ये और इसका डिमांड जो है 3 लाख रुपए है। 2014 मॉडल है ये देखिए, 2014 मॉडल, इसमें आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है और 3 लाख रुपए डिमांड है। ये 2014 का मॉडल है और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है और इसमें रेट भी कम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है i10 2011 मॉडल है, ये 2011 का मॉडल है, i10 कार हुंडई कार है और ये केवल 58,000 किलोमीटर चली है गाड़ी और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन इसकी अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी कितनी बेहतरीन। इंटीरियर जो है वो ये देखिए आप कितना बेहतरीन है और ये टॉप मॉडल गाड़ी है, इसमें चारों विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, बिल्कुल टॉप मॉडल गाड़ी है ये और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, ये अंदर भी आप देख सकते हैं। और 2,25,000 रुपये इसकी डिमांड है और इसमें आप कम भी करा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जो आपका रेट हो वो लगाइए, अगर आपका और यहाँ तय हो जाता है रेट तो आप गाड़ी ले जा सकते हैं। तो ये है 2013 का मॉडल, ये दूसरी है, ये 2013 मॉडल i10 है और इसकी डिमांड जो है, क्या डिमांड है, 2,65,000 रुपए इसकी डिमांड है और इसका इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, 2,65,000 रुपए इसकी डिमांड है, अंदर से इंटीरियर भी आप देख सकते हैं और ये चली भी 65,000 किलोमीटर है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, पेट्रोल गाड़ी होती है, i10 इंजन बड़ा दमदार होता है, बेहतरीन। 3 लाख रुपये डिमांड है, 15 मॉडल तो भैया जस्ट जो है 2015 मॉडल है, ये टाटा की जस्ट गाड़ी है, बहुत ही अच्छी होती है, क्वार्टर जेड इंजन है इसमें और ये 50,000 किलोमीटर चली है केवल और ये आपको मिल जाएगी केवल 3.5 लाख रुपए में, जो कि इसका जो नया प्राइस है, नई गाड़ी जो आ रही है कंपनी से वो आ रही है करीब वही 6,75,000 रुपये जहाँ तक इसका रेट है जो नई कार का है। तो ये जस्ट है और ये आपको मिल जाएगी 3.5 लाख में। और चली कितनी करें अगर बात इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर आप देख सकते हैं कि इंटीरियर इसका जो है वो बहुत ही अच्छा है और अंदर से काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। ये देखिए देखिए, टॉप मॉडल नहीं है ये, टॉप सेकंड है, इसमें आगे के दोनों पावर हैं और पीछे जो है वो आपका शीशा चढ़ाने वाला है। तो ये जस्ट भी बहुत ही बेहतरीन कार है, 3.5 लाख रुपए की रेंज में है, डीजल कार है, इसका एवरेज जो है वो करीब 20 के आसपास लगभग निकालती है। और ये टाटा इंडिको 12 मॉडल, ये है 2013 मॉडल, ये 2013 मॉडल इंडिगो है और ये चली है कितनी, चली है 72
2013 मॉडल इंडिगो है और ये 72,000 किलोमीटर केवल चली है और इसकी जो डिमांड है वो है 2,25,000 में। तो 2,25,000 रुपये इसकी डिमांड है, लेकिन आप इसमें कम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉप सेकेंड मॉडल कार है ये और इसमें आप पैसे भी कम करा सकते हैं। 2,25 की डिमांड है और ये गाड़ी आपको कम भी हो जाएगी और 72,000 किलोमीटर चला है। और ये कार टाटा इंडिका और ये चली है, कितनी चली है ये? 58,000 किलोमीटर चली है ये इंडिका। और ये देखिए बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं है। 2014 मॉडल इंडिका है ये। टायर की कंडीशन एकदम बेहतरीन है गाड़ी की, ये देखिए आप। और ये है इसका जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बाकी इस पर जो कम हो सकता है वो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। ये है 2012 मॉडल इंडिगो, ये देखिए इसका जो कंडीशन है वो कितनी प्यारी है, ये आप देख सकते हैं एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। और ये 12 मॉडल है और ये आपको पड़ जाएगी कितने की डिमांड क्या है इसकी? 2,25,000 रुपये इसकी डिमांड है और ये गाड़ी आप ले सकते हैं। इसमें देखिए टायर की कंडीशन क्या है, बिल्कुल बेहतरीन टायर है। चारों टायर जो इसके हैं वो एकदम बेहतरीन है और अंदर इसका जो इंटीरियर है वो देख सकते हैं आप कि ये टॉप मॉडल गाड़ी है। ये देखिए चारों विंडोज़ के पावर हैं, पावर स्टेयरिंग है और CR4 है। ये इंजन जो इसका है वो CR4 है और गाड़ी CR4 काफ़ी दमदार होती है। और ये चली है 65,000 किलोमीटर केवल, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए 2007 मॉडल एलेंट्रा, होंडाई एलेंट्रा, और इसमें पेट्रोल गाड़ी है ये, इसमें CNG लगी हुई है, CNG पेपर पे पास भी है। कैसा था? देखने दो देखने दो। तो 2006 का मॉडल है ये एलेंट्रा और इसकी जो डिमांड है क्या है? 1,70,000 रुपये इसकी डिमांड है एलेंट्रा। और ये चली कितनी है? 69,000 किलोमीटर चली है ये। और ये है एसेंट कार, 2007 मॉडल है और ये चली है कितनी चली है? तो देख, ये इसका इंटीरियर है और ये फर्स्ट ओनर कार है, 87,000 ये फर्स्ट ओनर है और ये चली है 87,000 किलोमीटर, ये देख सकते हैं आप, ये 87,000 किलोमीटर चली है। उसका जो डिमांड है क्या है? 1,65,000। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, कंडीशन के हिसाब से इसकी डिमांड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये 1,60,000 रुपये इसकी डिमांड है, पर नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा अगर आप बात करेंगे। और ये है ईऑन 2012 मॉडल, रेड कलर आप देख रहे हैं, मैरून कलर है थोड़ा। और ये गाड़ी भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो है 2,00,000 रुपये, 2012 मॉडल, 2,00,000 रुपये मांग रहे हैं, बाकी आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी करा। अंदर से जो इसका इंटीरियर है वो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है इसका, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये 2,00,000 रुपये डिमांड है इस कार की, 86,000 चली है और 86,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, केवल 86,000 किलोमीटर, केवल 86,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। चलिए अगली गाड़ी की ओर चलते। तो ये इको स्पोर्ट, और इको स्पोर्ट इसका जो रेट है वो है 6,75,000 रुपये डिमांड है इसकी। और इसका इंटीरियर भी आप देख सकते हैं अंदर से, ये इको स्पोर्ट, फोर्ड की इको स्पोर्ट है और इसकी 6,75,000 रुपये डिमांड है, 6,75,000 रुपये इसकी डिमांड है। ये इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं और टॉप मॉडल गाड़ी है ये, टॉप मॉडल गाड़ी है और 6,75,000 इसकी डिमांड है। गाड़ी बेहतरीन है एकदम, देख सकते हैं आप अंदर से भी कंडीशन एकदम फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है अंदर से इसकी कंडीशन, और बेहतरीन कार है और फर्स्ट ओनर है। सबसे अच्छी बात तो ये कि फर्स्ट ओनर का, तो ये इको स्पोर्ट जो है वो फर्स्ट ओनर है और डीजल कार है, 2015 का मॉडल है, बहुत ही प्यारी कार। और ये है आर्टिका, मारुति सुजुकी आर्टिका है ये, फर्स्ट ओनर है और ये गाड़ी चली है केवल 47,000 किलोमीटर, यानी 47,000 ये चल चुकी है।
और इसका जो रेट है वो है 6,75,000 रुपये। 6,75,000 रुपये इसकी डिमांड है। और आप ये अंदर से इंटीरियर इसका देख सकते हैं, एकदम फ्रेश इंटीरियर है इसका, बिल्कुल फ्रेश है। और देख सकते हैं आप गाड़ी की कंडीशन एकदम बेहतरीन है, केवल 47,000 किलोमीटर चली है, 47,000 दोस्तों कुछ भी नहीं चली है समझ लीजिए आप, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। इसका प्राइस जो है वो अभी आप कम करा सकते हैं, 6,75,000 रुपये डिमांड है, यानी कि आप इसमें थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं बात करके लिए। और ये है इनोवा 2010 का मॉडल है और ये 1.5 लाख किलोमीटर चली है और इसकी डिमांड जो है वो 5,75,000 रुपये, इसकी डिमांड है 5,75,000 रुपये। इंटीरियर इसका भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन कंडीशन में इंटीरियर है इसका, अंदर से गुड कंडीशन कार है। और 5 लाख तो इस इनोवा का प्राइस है 5,75,000 रुपये, डीजल कार है और 2010 का मॉडल है। गाड़ी कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है और 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है दोस्तों ये, और ये इसमें कम भी हो जाएगा प्राइस जो भी है, ये मुंह मांगा प्राइस नहीं है, ये आप आ करके यहाँ पे कम भी करवा सकते हैं। और ये बुलेरो 65,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर कार है ये, और ये M2 DI इंजन है, ये देखिए आप 6.5 लाख कि ये M2 DI इंजन है और इसका जो प्राइस है वो है 6.5 लाख रुपए। डिमांड जो है इसकी वो है 6,40,000 रुपए। ये आप देख सकते हैं कार की अंदर की कंडीशन, यानी इंटीरियर जो अंदर का, यहाँ पर देखिए आप ये इसमें LCD भी लगी हुई है और ये इसका अंदर का पूरा कंडीशन है कार का, मतलब बेहतरीन कार है और चली भी कम है, बेहतरीन कंडीशन में है ये गाड़ी। ये आपको कम से कम में लग जाएगी, यानी कि अगर आप बात करें तो ये इसमें अच्छा खासा पैसा कम करा सकते हैं आप। 6,40 डिमांड कर रहे हैं, बाकी आपके बात करने पर है कि कितने की ये गाड़ी छूट जाए, गाड़ी बेहतरीन है। 65,000 किलोमीटर चली है ये बुलेरो, बेहतरीन बुलेरो है, टायर की कंडीशन भी चारों ऐसे ही है बेहतरीन देखिए। उसके बाद आ जाते हैं ये सफारी, ये 2010 है, ये टॉप मॉडल सफारी है 2010 मॉडल, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन अंदर की, देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और इसका प्राइस क्या है, 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, आप कम करा सकते हैं। और कंडीशन ठीक ठाक है गाड़ी की, टायर वगैरह भी ठीक है, मॉडल 2010 मॉडल है ये, 10 मॉडल है ये स्कॉर्पियो 2008 मॉडल है। और ये चारों टायर इसमें बिल्कुल नए पड़े हुए हैं और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन कंडीशन है गाड़ी की। और ये आप साइड से पीछे से सब देख सकते हैं, गाड़ी में स्क्रैच वगैरह नहीं है, बेहतरीन गाड़ी है ये देखिए। और इसका अंदर से इंटीरियर वगैरह भी देख सकते हैं, ये 2008 मॉडल है और ये इसका जो प्राइस है वो है 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपये डिमांड है, 2008 का मॉडल है ये गाड़ी, टॉप मॉडल है। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चली भी नहीं है, ये देखिए टॉप मॉडल है और ठीक ठाक गाड़ी है, 3,75,000 डिमांड है। बाकी आपका मौके पर जब आप कार लेने आएंगे जो उसमें कम हो जाए वो कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कम हो जाते हैं।
तो भैया जो वीडियो था वो यहीं तक था। और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको कि फाइनेंस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, फाइनेंस होता है, लेकिन बस उन्हीं लोगों का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और जो ITR भरते हैं, बस इसके अलावा किसी का फाइनेंस नहीं होता है। ये आदमी सोचे कि कोई भी उठा करके फाइनेंस करवा सकता है, तो भैया कोई भी बैंक हर किसी को फाइनेंस नहीं करता है। हाँ, अगर आपके पास 3 साल का ITR है तो आप फाइनेंस करा सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो भैया इसके अलावा नहीं कराते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर कार बाज़ार का, वहाँ पर आपको फरहान खान मिल जाएंगे जो आपको सारी जानकारी देंगे, उनसे आप सारी जानकारी ले सकते हैं कार के बारे में और बात कर सकते हैं भैया। तो भैया ये वीडियो जो है वो यहीं तक था दोस्तों। आप सब जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी दुआ यही है, और हमारा वीडियो देखते रहें, हमारा चैनल देखते रहें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। गुड बाय।